Next again, what is the result or output of given programs? In that case, we are providing some if condition. If conditions ke case mein currently supply ke directly numbers, not a conditions, not a any relational or logical expressions. Agar aapne directly value provide kiya, value ke respect mein already explain kiya hai. C language ke andar generally true false ko represent karne ke liye use kya karein, either zero or non-zero. Zero and non-zero. Zero means false, non-zero means true. Currently is case mein supply kya kar raha hai, 5 means non-zero number which will represents true. 5 ka meaning kya hua is case mein, as a true. Finally is program ke respect mein jab iska execution start karenge, execution ke respect mein iska output kya display hoga. सबसे पहले वन बाय वन एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेइंग मैसेज ए, इस फर्स्ट स्टेटमेंट इफ के बाहर राइट किया, इसका एग्जीक्यूशन सभी सिचुएशन में परफॉर्म हो, चाहे कंडीशन ट्रू है फॉल्स हो डजंट मैटर. देन नेक्स्ट वन इफ 5 मींस ट्रू, ट्रू देन एग्जीक्यूशन किसका हुआ, इनसाइड बॉडी ऑफ इफ. इफ बॉडी के रिस्पेक्ट में चांस प्रोवाइड प्रिंट एफ बी प्रिंट एफ सी. नेक्स्ट वन करंटली डिस्प्ले होगा बी एंड सी. देन अगर एफ को चांस पार्ट हो चुका है, देन कंट्रोल डायरेक्टली सेंड होगा आउटसाइड बॉडी ऑफ इफ एल्स. मीन्स इफ ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, इसलिए एल्स ब्लॉक को चांस पार्ट नहीं होगा. और एल्स ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने, ओनली वन, प्रिंट एफ डी. ई क्या है, ई इज है आउटसाइड बॉडी ऑफ इफ एल्स, इसलिए डायरेक्टली चांस किसको प्रोवाइड हो रहा है, नेक्स्ट मैसेज है ई. दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ गिवन प्रोग्राम.